लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब भी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, यहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर उनके समाधान की हर संभव कोशिश करते हैं। लोग उनको अपनी समस्याओं सुझाव देते हैं, उसके लिए भरसक प्रयास करते हैं। इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में रामगंज मंडी तक लेकर सभी रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। हम जानते हैं ओम बिरला से, सर क्या उद्देश्य लेकर आज आपने निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया है? मेरे संसदीय क्षेत्र में जितने भी उपनगरीय रेलवे स्टेशन हैं, उन उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा बेहतरीन रहे, सभी यात्रियों को सुविधा मिले ताकि उनकी यात्रा सुगमता से हो सके, इसके लिए सभी स्टेशनों की निरीक्षण किया गया है। जहाँ जहाँ जो लोगों ने, यात्रियों ने जो सुझाव दिए, उनके सुझाव आमंत्रित किए, उनके सुझावों के आधार पर रेल यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार करेंगे। ट्रेन के अंदर लोगों को बैठने के लिए पर्याप्त समय स्थान पर ट्रेन रुके, इसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। और एक मेट्रो ट्रेन चलाने की भी योजना है, जो डेली अप डाउन करने वाले, नित्य प्रतिदिन काम करने वाले जो बड़े शहरों के अंदर काम के लिए जाते हैं, उन लोगों को मेट्रो ट्रेन के माध्यम से रेल सिटी बस की तरह सेवा मिल सके, ताकि वो डेली अप डाउन करके अपना रोजगार कर सके। कोई बच्चा पढ़ने जाता है पढ़ाई कर सके, कोई मजदूरी मजदूरी जाता मजदूरी कर सके, और कई लोग व्यापार बिजनेस करने वाले भी छोटे शहरों में व्यापार करने आते हैं, उनके लिए भी ये मेट्रो ट्रेन बड़ी सुविधाजनक होगी। अब आज आपने 5-6 रेलवे स्टेशनों का दौरा कर लिया, निरीक्षण कर लिया और कई लोगों की समस्याएं सुनी, क्या मुख्य समस्या इसमें सामने आई है? इसकी जो सामान्य समस्याएं हैं वो विशेष रूप से ट्रेन ठहराव की रहती है, लेकिन ट्रेन ठहराव हर छोटे स्टेशन पर होना संभव नहीं है, इसीलिए मेट्रो रेलवे स्टेशन मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी जो हर छोटे स्टेशन पर ठहरेगी, ताकि वह बड़े स्टेशन से कनेक्ट हो सके। कभी यात्री को अगर मानो कहीं बाहर जाना हो, लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, तो बड़े स्टेशन से यात्रा कर सके, इसलिए मेट्रो ट्रेन उनको बड़े स्टेशन तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में। ये मेट्रो ट्रेन कहां तक चलाने की योजना है और कब तक ये शुरू होने की संभावना है? अप्रैल अंतिम तक इस यात्रा को ट्रेन को शुरू करेंगे, और ये ट्रेन विशेष रूप से कोटा से जितने भी आसपास के 200 किलोमीटर है इलाका है, वहाँ जहाँ से डेली अप डाउन लोग करते हैं, वहाँ पर ही ट्रेन को चलाएं। ऐसे ऐसी कितनी मेमो ट्रेन चलाने की योजना है? कुछ 4 मेमो ट्रेन चलाने की योजना है। 4 मेमो ट्रेन चलाने, इसके अलावा कुछ और कोई मूलभूत स्टेशनों पर कुछ बदलाव क्या होंगे? जैसे कई अभी स्टेशन कोटा का, जो एक कोटा का मुख्य स्टेशन है, जो अपने कोटा का रेलवे स्टेशन और डकनिया रेलवे स्टेशन, इन दोनों स्टेशन कोटा के ये यात्रियों की दृष्टि से भी बड़े रेलवे स्टेशन और देश के बड़े रेलवे स्टेशन, उनको किस तरीके से हम आधुनिक सुविधाओं से इन स्टेशनों को बना सके, ताकि आम आदमी जब आता है यात्रा करना, तो उसको केवल स्टेशन पर ही सुविधा मिले, स्टेशन के बाद उसको ठहरने की सुविधा, अन्य सुविधाएं मिले, ताकि उसको अपना काम करके हुए शाम को घर अपने घर भी लौट सकता है। डकनिया रेलवे स्टेशन एक मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है, स्टूडेंट्स आते हैं, उसका नाम परिवर्तन भी होगा, उसका विकास भी कुछ होगा। डकनिया रेलवे स्टेशन को एक कोटा का सेटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा, ताकि वहाँ पर भी कोटा के निवासियों को और जो कोटा में पढ़ने वाले कोचिंग उनके अभिभावकों को कोटा स्टेशन की 20 किलोमीटर की दूरी को रोड से न करके वो इस उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर सेटेलाइट रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा कर पाए। ये थे ओम बिरला, जिनका कहना है कि कोटा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कई हजार स्टूडेंट आवाजाही करते हैं और वो मुख्य स्टेशन है, ऐसे में सभी रेलवे स्टेशनों को पर्यटन की दृष्टि से वो स्टूडेंट्स की आवाजाही को देखते हुए इन रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा और जल्द ही यहाँ पर एक मेमो लोकल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे कि जो अप डाउन करने वाले यात्री हों उनको सुविधाएं मिल सकते। राजस्थान तक के लिए कोटा से संजय वर्मा।